জামুরিয়ার নির্জন এলাকায় এক বস্তাবন্দী নরকঙ্কাল উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। বুধবার স্থানীয় এলাকার মানুষজনেরা ডাস্টবিনের ময়লা আবর্জনা ফেলা সামগ্রীর সঙ্গে থাকা এক বস্তাবন্দী দুর্গন্ধময় সামগ্রী পড়ে থাকতে দেখে। তারা স্থানীয় এলাকার মানুষজনদের খবর দেয় এবং শ্রীপুর ফাঁড়ির পুলিশকে জানালে পুলিশ পৌঁছে রহস্যময় ওই বস্তা উদ্ধার করে লক্ষ্য করে তার মধ্যে থাকা নাম গোত্রহীন এক নরকঙ্কাল। নরকঙ্কালটির শরীরে কোনো কাপড় জামা না থাকায় সেটি পুরুষ না মহিলা নরকঙ্কাল তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। বুধবার আকস্মিকভাবে এই নরকঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনার চাঞ্চল্য ছড়ায় জামুরিয়ার 11 নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীপুর ফাঁড়ির এলাকার তালবাঁধ অঞ্চলে। স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা ওই নরকঙ্কালটিকে দেখতে পেয়ে ঠিকভাবে ঠাউর করতে পারে না, সে আদেও পুরুষ নাকি মহিলা কঙ্কাল। স্থানীয় এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, বাইরে থেকে কেউ বা কারা ওই এলাকাটিতে নির্জন এলাকা লক্ষ্য করে ওই নরকঙ্কালটিকে সেখানে এনে ফেলে দিয়ে গেছে। এদিন শ্রীপুর ফাঁড়ির পুলিশ নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ওই নরকঙ্কাল উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। हम घर में थे तो एक लोकल लड़का यहाँ मुस्ताबाद का, वो हमको फ़ोन किया है कि इस तरह से मामला है कि तालबाद साइड में एक बॉडी फेंका हुआ है बोरा में बांध के। हम फौरन श्रीपुर आईसी के ऑफिसर को फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा मामला है, एक बॉडी फेंका हुआ है। तो पुलिस आया है, पुलिस आने के बाद में बॉडी को रिकवरिंग करके और बॉडी को सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। क्या लगता है बॉडी कहाँ का है? ये तो सियोर कोई बता नहीं सकता बॉडी कहाँ का है। बॉडी पहचान में भी नहीं आ रहा, बॉडी का हालत ऐसा ख़राब हो गया है, मैंने बॉडी में कोई समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने सिर्फ उसका मांस खत्म हो गया, सिर्फ हड्डी बचा हुआ है। ये कौन देखा है? ये लोकल लड़का मुस्नाबाद के अगल बगल का, ये लोग इधर आना जाना करता है ना रास्ते में, वही लोग देखा है। और थोड़ा गंद लगा है, गंद लगने के बाद में उसको महसूस हुआ, आगे बढ़ के देखा तो देखा बॉडी है। वो हमको फ़ौरन फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में हम श्रीपुर आईसी को फ़ोन किए, आईसी यहाँ मौजूद हुआ, होने के बाद में पहुँचने के बाद फौरी तौर पर वो गाड़ी उड़ी मंगा के सरकारी अस्पताल भेजा है। तो इस तरह एक बॉडी यहाँ मिलता है, इसके लिए आप लोग कुछ? देखिए बॉडी वाला जहाँ बात है, ये फाका इलाका है, आदमी रात को किसी कोई भी आके बाहर से ला के फेंक सकता है बॉडी। यहाँ पास तो फाका इलाका है ना, इस तरह से रास्ता बहुत फाका इधर है, समझ गए ना? आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद कुरबान। সৌমিত্র গাঙ্গুলী, রিপোর্ট টাইমস বাংলা।